अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे चटपटी फूड ट्रीट की फ्रूट चाट अफ्तारी में, और ये बहुत मज़े की बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत सिंपल है इसको बनाना। जब आप इसको बनाएंगे और आप जब इसको खाएंगे तो आप एकदम ताज़ा दम फील करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। एक बाउल में जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों आप वो ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे एक बाउल ऐड किया है केलों का, एक बाउल मैंने यहाँ पे लिया है अमरूद, एक बाउल मैंने लिया है सेब, एक बाउल स्ट्रॉबेरी, एक बाउल खरबूजों का। बस आजकल के सीज़न में यही जो फ्रूट्स हैं यही अवेलेबल हैं तो मैंने यही ऐड कर लिए हैं। 4 से 5 में लेमन लूँगी मैं। सरका इसमें ऐड नहीं करी, मैं लेमन ऐड कर रही हूँ। आप सरके की जगह लेमन ऐड करें तो बहुत मज़े की चाट आपकी बनेगी। तो 4 से 5 लेमन को स्क्वीज कर लूँगी। इसके बाद आपने इसको अच्छे से बस मिक्स कर लेना है। चीनी मैं बाद में डालूँगी, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं एक बाउल जो है वो मैं निकाल लूँगी अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि वो डायबिटिक हैं, वो चीनी वाला नहीं खाती। तो अपने लिए मैं ऐड करूँगी चीनी। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है शुगर। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, कम डालना चाहते हैं कम डाल लें। उसके बाद चुटकी भर सॉल्ट, आधा चम्मच ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून फ्रूट चाट मसाला आपने यूज़ करना है। मतलब एक होता है नॉर्मल चाट मसाला, और ये फ्रूट चाट के लिए एक स्पेशल मसाला मिलता है जिसको कहते हैं फ्रूट चाट मसाला। डब्बे में इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ग्रॉसरी शॉप्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। बस वो ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और एक बाउल में आप इसको सर्व आउट कर लें। तो बस मैंने सारा मिक्स कर लिया और बाउल में अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और फ्रूट चाट दिखने में ही बहुत खूबसूरत लगती है, पर अगर आप थोड़ी सी इस पर मेहनत करें और कुछ तरीके से इसको आप डेकोर करें तो ये और भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे मैंने मिंट के लीव्स लिए और बस फाइनल लुक दे रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो गई है हमारी फ्रूट चाट। वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन से सारी नोटिफिकेशंस मेरी पहले आपको मिलेंगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।